हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है संगीता's किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूखी चटनी, जो हमें बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव के साथ मिलती है। इसके लिए हमें चाहिए बेसन और तिल, राई के दाने, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन और नमक स्वाद अनुसार। अभी सबसे पहले हम पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे बेसन का। पकोड़े जैसा घोल बनना चाहिए और इसमें थोड़ा टेस्ट नमक डाल दीजिए। ऑयल आ गया है, अब इसकी हम बूंदी कर लेंगे। थोड़ी क्रिस्पी बनाए। फ्रेंड्स, हमारी बूंदी हो गई है। अभी हम इसमें ये बूंदी, लहसुन वो एक कड़ी ली है और 2 से 3 चम्मच आपको अच्छा लगे इतना मिर्च। आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप ज्यादा ले सकते हैं, और नमक थोड़ा सा। अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे। अभी 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल आ जाए फिर इसमें राई के दाने और तिल डालेंगे। अभी हमारा ऑयल आ गया है। अभी राई हो गई है, अभी तिल डालेंगे 1 टेबल स्पून। अभी इसमें जो हमने मिक्स किया था वो चटनी डाल देंगे। थोड़ी देर पकाएंगे। अभी गैस बंद कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमारी चटनी हो गई है और वो बहुत टेस्टी लगती है और 15 दिन तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।